हेलो एंड वेलकम टू इजी ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले जानते हैं कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या। लेट्स से मेरे पास पानी है, ठीक है। ये पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, ठीक है। वो साल्ट डालने के बाद मैंने इसको गर्म करने के लिए लगा दिया। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले इनिशियली कुछ था, उसमें कुछ ऐड हो गया, मतलब वाटर बॉइल होने के लिए उसको कुछ टाइम लगा, है ना। तो इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ गया, इसका मतलब इलेवेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ सोल्यूट, साल्ट क्या है, सोल्यूट है, और ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। नमक डालने के बाद उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और मोलार मास क्या होता है? मोलार मास होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिराइव कर देते हैं इक्वेशन को। किसी भी सॉल्यूशन का इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन की मोलारिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीबी मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एम क्या है? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, जिसमें केबी क्या चीज है? केबी है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कॉन्स्टेंट। लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का मास W1 है, ठीक है, और सोल्यूट का मास W2 है, और मोलिकुलर वेट M2 है उसका। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो M है मोलरिटी, इसको कैसे लिख सकता हूं? M इज इक्वल टू W2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1 into M2। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, और M2 क्या है? मोलिकुलर वेट है। तो M इज इक्वल टू W2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1 into M2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी ये M का वैल्यू इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालेंगे, अगर हम लोग M का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, तो हमारा टीबी का वैल्यू मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? केबी इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई W1 into M2। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलार मास ऑफ सोल्यूट। इसको हम लोग मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें टीबी क्या चीज है? टीबी है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कॉन्स्टेंट, W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और M2 क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास बोल सकते हो, या फिर मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इस तरह हमने सीखा कि हाउ टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। I hope this will help you. So, see you in the next tutorial of Easy Tutorials by Sachin Borade. Thank you.